Hey guys, this is किनरी सिंह and a warm welcome to Glitz Vision USA. ढाई तीन सालों में ही आयशा सिंह ने टेलीविजन इंडस्ट्री में वो करके दिखाया है जो नॉर्मली बहुत सारी एक्ट्रेसेस नहीं कर दिखा पाती हैं. इतने कम समय में सोशल मीडिया पे उनकी बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है, इंडस्ट्री का जाना माना नाम वो बन गई हैं. लेकिन क्या आपको पता था कि आयशा की जर्नी गुम है किसी के प्यार में इतनी स्मूथ नहीं थी और उन्हें इनिशियल डेज में काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा. आयशा ने सबसे पहले ये बताया कि ये शो उनको डेफिनेटली लॉकडाउन में मिला और उससे पहले वो पूरी तैयारी में थी कि वो मुंबई से अपना बेस आगरा शिफ्ट कर ले जो उनका होम टाउन है. क्योंकि आयशा ने कहा उन्होंने काफ़ी सारे ऑडिशन दिए थे लेकिन कुछ वर्कआउट नहीं कर रहा था, तो इसलिए आयशा ने सोचा कि बेटर यही है कि मुंबई को छोड़ के वो कुछ टाइम के लिए आगरा शिफ्ट हो जाए. वो आगरा में थी जब उन्हें गुम है किसी के प्यार में के मेकर्स का कॉल आया, जिसके बाद आयशा मुंबई वापस आती है. वापस आते ही उनको इस शो के लिए सिलेक्ट कर दिया गया. आयशा ने कहा जब पहला दिन था गुम है किसी के प्यार में तो सेट पे कुछ ऐसे लोग थे जो आयशा को देख के बहुत ज़्यादा अनश्योर थे कि क्या वो राइट फिट है या कहीं मेकर्स ने गलती तो नहीं कर दी, और ये सेम वाइब आयशा को भी लगी. घर जाके वो बहुत रोई लेकिन उनके फ्रेंड्स ने उन्हें समझाया कि वो लोगों का परसेप्शन हमेशा चेंज कर सकती हैं. और जब सेकंड डे आयशा गई सेट पे पहुंची और उन्होंने अपना पहला सीन शूट किया, तब जाके जिन लोगों को लग रहा था कि कहीं आयशा एक रॉन्ग कास्टिंग तो नहीं है सही के कैरेक्टर के लिए, वो सब श्योर हो गए कि सही के कैरेक्टर को आयशा से ज़्यादा अच्छा और कोई प्ले नहीं कर सकता. वेल, आयशा की जर्नी आज सही ख़त्म हो चुकी है, बट वी विश हर ऑल द बेस्ट एंड होप कि वो बहुत जल्द हमें किसी और प्रोजेक्ट में दिखेंगी. दिस वॉज द न्यूज़ फॉर टुडे एंड फॉर मोर सच न्यूज़ डू सब्सक्राइब टू ग्लिट्स विजन यूएसए. हाई, आई एम निया शर्मा एंड यू वॉचिंग मी ऑन ग्लिट्स विजन यूएसए.